होते हैं कर्ज में, जो पोलियो वायरस है अगर वो हम शेड करते हैं मुख्तलिफ नटराजी साहब उससे भी इससे मैं कहते हैं कि मन तक अगर हो कि इस तरह का पानी हो इन्वायरमेंट में भी खत्म हो गए और उसके बाद वो भी पोलियो की अगर खुदा में 40 भी हुआ है आज मेरे ख्याल में 28 है ना ऐसा पानी होता है सर्विस सिस्टम का वो हम कलेक्ट करते लेते हैं सिंध का है कराची का है केपी का है पाटा का है हमारे पास इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आते जा रहे हैं सेफेस्ट of the vaccines among all the vaccines that has been prepared for prevention of disease jitne bhi aur iske bare mein ye kaha jata hai ki agar iska risk hai agar koi risk hai iska to pehli dose ke sath wo bhi 10 lakh se zyada agar doses aap ek sath jo hai na dein 10 lakh bachchon ko to shayad jo hai na ek ko side effect hone ka chance ho इतना सा इतना ज़्यादा सेफ़ है ये वाहिद वैक्सीन है जिससे आपको जिससे बच्चे को इवन टेम्परेचर तक नहीं होता है वरना आम तौर पे अगर आपने देखा होगा जब बच्चों को आप हिफाजती टीके लगाते हैं तो उनको बुखार आम तौर पे देखने में आता है ये वो वाहिद वैक्सीन है जिसके साथ आपने किसी भी बच्चे को नहीं देखा होगा कि उसको इसके साथ टेम्परेचर भी हुआ सो सबसे सेफ वैक्सीन अब बच्चे को डायरिया है तो उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ज़रूर देना चाहिए बच्चे को अगर डायरिया है तो वैक्सीन पर्ज आउट हो सकता है उसका स्टेज है ना गट के अंदर कम टाइम के लिए हो सकता है लेकिन होगा ज़रूर सो डायरिया की रिकवरी के बाद उसको रिपीट डोज दें तो ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा अगर किसी भी बच्चे को कोई आम बीमारी है बुखार है नज़ला है ज़ुकाम है खांसी है कोई सीरियस इलनेस नहीं है जिसके लिए वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है उस बच्चे को आप वैक्सीन दे सकते हैं चाहे उसको टेम्परेचर भी है तब भी आप उसको वैक्सीन दे सकते हैं उसको डायरिया है दे सकते हैं उसको नज़ला ज़ुकाम है दे सकते हैं गला ख़राब है दे सकते हैं कोई उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कोई उसके उसको मना करने की ज़रूरत नहीं है उस बच्चे को दिया जा सकता है हाँ अगर किसी बच्चे को सीवियर इलनेस है तब आप वेट कर सकते हैं 2-4 दिन जब तक उसका उसकी इलनेस वो बेहतर हो जाए उसके बाद आप उसको वैक्सीन दे दें तो कोई मसला नहीं होगा सो ये मेरी सबमिशन थी होपफुली आपके आपके कंसर्न जो है ना एड्रेस हुआ होगा जिसमें ये पिक है इसकी रिजर्वेशन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में बेनिफिट है उसमें जाहिर बात है बच्चे की डेथ हो गई थी अभी इस केसेस में मैं सिचुएशन देखिए आप ऑलमोस्ट अगर जी खुदा ना खास्ता उसी ये पोलियो प्रोग्राम में होता तो देखिए 1.5 मिलियन बच्चों को कंट्रीज बता दिए ये क्योंकि कल रात बहुत बड़ी तादाद थी उस वक्त हिसाब से अगर हम देखिए एक वायरस होता है ठीक है वायरस का आप समझो कि उसका डंक काट दे लाइव एटेन्यूएटेड वायरस उसका जो जो जहरीला मवाद होता है वो हम निकाल देते हैं वैक्सीन करता क्या है हमने तो उसका मवाद काट दिया ठीक है आपने सुना होगा कि इंसान के बॉडी में उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत हम कहते हैं है ना क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसको हम बॉडी का फौज या पुलिस कहते हैं अब जब वायरस कोई जाता है एक्चुअल वायरस जाता है वो क्या होता है कि उसमें जो उसकी फौज और जो पुलिस होती है ये वायरस जब अंदर जाता है तो ब्लड में ये जो फौज और पुलिस उसकी तादाद बहुत कम होती है वो क्या कर देता है कि वो इन्फेक्ट कर देता है उस इंसान को और वो अपना वायरस काम कर लेता है और डिजीज़ काज हो जाता है अब जब हम उसी तरह का वायरस भेजते हैं जैसे हमने कहा कि उसका जहरीला मवाद हम काट देते हैं पोलियो वायरस उसका हमने जहरीला मवाद काटा हुआ है उसकी जो वो जहरीला चीज़ें हैं उसका जो डंग है जो भी है वो हमने काट दिया है अब जब ये जाता है वायरस जो ये वैक्सीन होता है जिसको हम वैक्सीन कहते हैं जब वैक्सीन जाता है तो जो ये उसकी पुलिस या जो उसके अपनी जो फौज होती बॉडी की जो उसको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं WBC कहते हैं वो जब उसको देखता है कि यार ये तो वो आ गया है दुश्मन आया है तो ये क्या करता है ये वाइट ब्लड सेल्स ये तकसीम होना शुरू हो जाते हैं इसके खिलाफ वायरस के खिलाफ
वो तो उसको नहीं खा पाया जाता ना, वो नहीं खा सकता क्योंकि ये तो एक्चुअल वायरस नहीं है। उसी तरह के हमने एक डमी चीज़ भेज दी है, तो ये तकसीम होता है, तकसीम होता है तो ये फिर क्या करता है, मतलब वो उसकी तादाद बढ़ जाती है। जब भी एक्चुअल वायरस चला जाता है असली, क्योंकि उसकी इतनी क़ुव्वत मुदाफ़त, इतनी एंटीबॉडीज़ बन चुके होते हैं कि जब असली जाता है तो उसको इनगल्फ करके खा जाता है वायरस को, तो ये बेसिकली वैक्सीन का काम होता है। अब समझ गए ना कोई इसके बारे में? अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? हाँ, वैक्सीन एक्सपायर तो हमारे पास है ही नहीं, हम यूज़ करते हैं। कोई भी वैक्सीन हमारे पास आप जाएं देखें, जितने भी हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, EPI सेंटर्स हैं, उसमें एक्सपायर वैक्सीन होती नहीं है। वैक्सीन का अगर कोल्ड चेन मेंटेनेंस सही नहीं हो, अगर एक्सपायर भी हो कुछ नहीं करता, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वो जो उसके अंदर हमने कहा ना कि हम लाइव एटेन्यूएटेड वायरस होता है, जो वायरस का हम जो डंग काटते हैं, वो वायरस उसका वो ख़त्म हो जाता है, वो एक किस्म का पानी हो जाता है, समझ गए ना? वो उसको दे भी देते, उसको कोई असर नहीं होता बिल्कुल, जैसे आम सी एक चीज़ होती, दो कतरे वो गुजर जाते, ख़त्म, उससे डेथ नहीं होती। पोलियो वैक्सीन से डेथ नहीं होती, दो कतरे हैं ना, हमने दो कतरे देते हैं। तो ये मैं अक्सर लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड, मेरे ख्याल में कैमरे चल रहे हैं, तो यार अगर दो कतरे जहर भी किसी को दे तो मेरे ख्याल में कुछ असर नहीं करती, अगर इतने छोटे कतरे, ये तो फिर भी वैक्सीन है, क्योंकि आजकल तो जहर भी मिक्स आ रहा होता है, सारा मिलावट है, तो वो ये तो फिर भी वैक्सीन है। ये दो कतरे वैक्सीन कुछ भी नहीं करती, ये इसका कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये गट इम्यूनिटी देता है आपको, जो अंतड़ियाँ हैं ना, अंतड़ियाँ, उसकी इम्यूनिटी देता है। ये मैंने पहले बताया था, इसके अपने एक रिसेप्टर्स होते हैं, ये जाके वहाँ पे ये चिपक जाता है, लग जाता है, जब वायरस आता है देखता है कि ये इधर लगा हुआ है तो गुजर जाता है, और कुछ जो है ना उसका पोर्शन जो है ना वो चला जाता है, वो ब्लड में आ जाता है, वो उससे फिर एंटीबॉडीज़ का अपना वो काम करते हैं, इससे इसकी डेथ नहीं होती। ठीक है, हाँ अच्छा, इसमें आपने देखा होगा जो भी टीम हमारी होती है वो आइस बर्फ कैरी करती है अपने साथ, आइस पैक्स होते हैं, आइस वो अलग थैली में होता है और वैक्सीन अलग थैली में होता है। हम उसको आइस के साथ डायरेक्ट भी, ताकि उसका कंटेक्ट ना हो, उसके साथ वो टच ना हो, वो भी हम उसको भी अवॉइड करते हैं, वैक्सीन अलग होता है, वो अलग होता है। फिर कोल्ड चेन वैक्सीन वाइल मॉनिटर होता है, उसमें जो हमने कहा था ना कि हम डिफरेंट टीयर्स हैं हमारे, जब हम जाते हैं फील्ड में, जब चेक करने के लिए, एरिया सुपरवाइजर से लेकर फिर डिस्ट्रिक्ट का स्टाफ, फिर प्रोविंस का स्टाफ, फिर नेशनल EOC के जो हमारे आए हुए हैं ये स्टाफ, ये भी फिर हमें चेक कर रहे होते हैं, ये भी उनको वैक्सीन को चेक कर रहे होते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट टीयर्स हैं फॉर मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। जो भी टीम को चेक करता है वो तो सबसे पहले वैक्सीन खोलता है, देखता है, फिर उसका वैक्सीन वायल को देखता है कि भाई वो इंटैक्ट है कि नहीं इंटैक्ट, वो VVM इसका इंटैक्ट है कि नहीं इंटैक्ट, तो वो अगर इंटैक्ट होता है वो जितने भी मॉनिटर्स हैं वो चेक कर, वो ऐसे भी नहीं कि आपने निकाल दिया तो ख़त्म हो गया, नहीं, उसका भी एक अपना टाइम होता है 10-15 मिनट तक, क्योंकि मौसम भी हमारा बड़ा अच्छा प्लेजेंट मौसम होता है, सर्दी में जो पिछले 3-4 महीने 5 महीने 6 महीने सर्दियाँ रही हैं, इसमें तो कोई इशू होता ही नहीं इसका, हमारे वैक्सीन जो कोल्ड चेन मेंटेनेंस का, क्योंकि सर्दी होती है, उसके बावजूद भी हम बर्फ़ देते हैं ताकि मज़ीद भी ये इनका रहे। तो ये टीम्स हमारी चेक करती हैं जो भी हमको वैक्सीन, इस तरह थोड़ा सा भी शक होता है कि ये इसका जो वैक्सीन वाल मॉनिटर होता है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, उसका जो इनर दायरा होता है अंदर, एक बाहर का होता है और एक दायरा अंदर होता है, ये अंदर वाला दायरा अगर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, ये बाहर के लिए बराबर हो जाता है, बाहर के जो चौकोर दायरा होता है, चौकोर सा एक होता है, अंदर दायरा होता है, अगर उसके बराबर हो जाता है तो फिर हम उसको जो है ना डिस्कार्ड करते हैं, फेंक देते, कहते हैं ठीक नहीं है। लेकिन इस तरह के मैं अभी तकरीबन ये 2005 से मैं काम कर रहा हूँ,
4 और 5 से, फिर बीच में मैं नहीं किया पोलियो एक्टिविटीज़, फिर उसके बाद मैंने पोलियो में दोबारा ज्वाइन किया। आज तक मैंने अपने इस पूरे उसमें टेन्योर में मैंने कभी भी एक्सपायर वैक्सीन अभी तक नहीं देखी है, क्योंकि हम इतना कोशिश करते हैं कि कोल्ड चेन मेंटेन हो एंड यूज़र तक। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वैक्सीन पानी हो जाता है, फ़ायदा नहीं देती वैक्सीन। मैंने कहा था ना, ये अगर कोल्ड चेन इसका ख़त्म हो जाए, कुछ भी नहीं हो रखा हो, ये पानी हो जाता है, इसका कोई ये कुछ भी नहीं करता है, नुकसान इसका नहीं होता। गुड, हाँ अच्छा, इसमें डायरिया बच्चे को अगर होता है तो मतलब हम यही कहते हैं कि दोबारा दे दे तो अच्छा है, अगर वो बच्चा थूक भी लेता है दे, क्योंकि इसका अगर आप मतलब दो, ये इतना मतलब बेज़रर वैक्सीन है, वायद वैक्सीन, बेज़रर वैक्सीन है ये पोलियो का, कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम हर डिजीज़ में देते हैं, हर बीमारी में देते हैं, क्योंकि इसका गट के साथ ताल्लुक है ना, कोई नुकसान नहीं है इसका, आप दे दो दोबारा दे दो। जैसे अभी हम कहते हैं ना कि जैसे अब रूटीन इम्यूनाइजेशन का, एक बच्चा रूटीन इम्यूनाइजेशन EPI सेंटर में वैक्सीन लेता है, ठीक है, फिर आ जाता है घर में, हम कहते हैं हम दे दो, क्योंकि कोई तावा नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। जितना आप उसको वैक्सीन दोगे उतनी इसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, उतनी इसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी उस वायरस के खिलाफ, ठीक है ना, तो ये देना चाहिए। वैक्सीन 1950s में जो हुआ, खुद सोचिए कितने ज़्यादा लोग वायरस प्रोग्राम नहीं है, इट्स कंट्रोल प्रोग्राम है, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं।